भारत में कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स के भरते हैं? हाईवे पर सबसे जाम कितने दिन तक लगा था? आम का पेड़ सबसे अधिक कहाँ रोपा जाता है? एक दिन में कितने ईमेल आते हैं आपके मोबाइल पर? वीडियो के अंत तक बने, आपको सारे का सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्या आपने कभी देखे हुए हैं जो हाईवे पर यानी कि जाम लग जाता है वहाँ 11 दिनों तक आपने कभी देखे ही हुए हैं? नहीं देखे हुए तो मैं बताता हूँ कि चीन के एक हाईवे पर यानी कि हाईवे 110 पर जब जाम लग गया था तो उस जाम के अंतर्गत 100 किलोमीटर तक यानी कि बहुत अधिक दूर 100 किलोमीटर तक जाम लग गया था, जिसको जाम खत्म होने में बहुत अधिक दिन यानी कि 11 दिन तक लग गया था जाम को खत्म करने में। क्या आपने कभी बात यहाँ सुने हुए हैं कि पेड़ पर से आम मैंगो अगर गिर जा रहा है तो उस व्यक्ति का मौत हो जा रहा है यानी कि वह मर गया, खत्म हो चुका है। लेकिन आपने कभी नहीं सुने हुए हैं लेकिन नारियल यानी कि अधिकतर नारियल जो पेड़ पर से गिरते हैं उस पेड़ पर से गिरे हुए नारियल यानी कि पेड़ पर से गिरने की प्रक्रिया जो होता है नारियल का, उससे बहुत अधिक व्यक्तियों का मौत हो चुका है केवल पेड़ पर से नारियल गिरने पर ही। मैं आपको पूर्ण रूप से बता देता हूँ कि भारत का खोज यानी कि भारत का खोज कौन सा व्यक्ति ने किए हुए हैं, वास्को डी गामा ने भारत का खोज किए हुए हैं। लेकिन एक देश है जिसका देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के खोज कौन सा व्यक्ति प्रथम बार किए हुए थे? क्या आपको अगर पता है तो 4 शब्द में लिख सकते हैं। मैं उसका नाम पूर्ण रूप से बताना चाहता हूँ, उस व्यक्ति का नाम है जेम्स, यानी कि जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया का प्रथम बार वहाँ खोज किए थे, उसके बाद ही कोई व्यक्ति मालूम चला यानी कि पता चला कि ऑस्ट्रेलिया कोई देश है। क्या आपको यह बात जानकर चौंकने वाली बात है? अब भारत में जितने लोग यानी कि इंडिया में जितने पीपल रहते हैं, लोग रहते हैं, उनमें से कितने लोग हैं जो इनकम टैक्स यानी कि सरकार को, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देता है? आप जानकर चौंक जाएंगे कि ओ माय गॉड, इतने में से मात्र इतने ही परसेंट, जी हाँ 100% में से यानी कि पूरे जो भारत में लोग हैं, पीपल है, उनमें से मात्र 3% ही व्यक्ति है जो कि यानी कि वहाँ इनकम टैक्स देते हैं, बाकी कोई व्यक्ति नहीं देता है। मैंगो और आम है वह सभी देशों को लोकप्रिय है यानी कि जो वर्ल्ड पर यानी कि पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं उन लोगों को सबसे अधिक लोकप्रिय आम यानी कि मैंगो फल है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो आम है सबसे अधिक कहाँ पर यानी कि किस देश में उगाया जाता है, आप जानकर चौंक जाएंगे कि वह कौन सा देश है। जी हाँ, आप जिस देश में रहते हैं उसी देश में सबसे अधिक आम उगाए जाते हैं। आप किस देश में रहते हैं? भारत। भारत में सबसे अधिक आम उगाए जाते हैं। गाइज, आप लोगों और हम लोगों के मोबाइल पर जो ईमेल द्वारा यानी कि कोई भी आप ऐप में ईमेल लॉगिन किए हुए हैं उससे यानी कि 1 मिनट के अंतर्गत, 1 सेकंड के अंतर्गत कोई ना कोई मैसेज आना ही है। लेकिन पूरे दुनिया की बात किया जाए तो ईमेल द्वारा कितने मैसेज आते हैं आप जानकर चौंक जाएंगे, ओ माय गॉड, 1 सेकंड के अंतर्गत इतने ईमेल आते हैं। 1 सेकंड के अंतर्गत पूरे वर्ल्ड की बात किया जाए तो 24 लाख यानी कि 24 लाख ईमेल सभी के मोबाइल पर चले जाते हैं, उनमें से आपके पास कितने आते हैं? पूरे दुनिया यानी कि वर्ल्ड की बात किया जाए, कोई व्यक्ति मर जा रहा है यानी कि मृत्यु हो गया, वहाँ मर चुका है, लेकिन जो व्यक्ति मरा है उसके साथ साथ 1 दिन के अंतर्गत पूरे पृथ्वी पर कितने व्यक्ति मरे हुए हैं यानी कि उसी के समय 1 दिन के अंतर्गत कितने व्यक्ति, 1,59,635 व्यक्ति 1 दिन के अंतर्गत मरते हैं यानी कि 1 व्यक्ति के साथ साथ वहाँ उसी दिन मरते हैं। मैं वीडियो अच्छा लगा। गाय जो हॉर्स यानी कि जो घोड़ा है वहाँ लाखों, जिस प्रकार का अभी दिखता है घोड़ा, खूब सुंदर अच्छा दिखता है घोड़ा, हॉर्स दिखता है, लेकिन इसी प्रकार से कि आप पिछले जन्म यानी कि बहुत पहले समय में इसी प्रकार से हुआ करते थे, नहीं लाखों समय यानी कि लाखों साल पूर्व पीछे देखा जाए तो एक जो बिल्ली होता है, बिल्ली की आकार यानी कि बिल्ली के सेम साइज नहीं, उतने बड़ा ही नहीं, लेकिन उसी के रंग रूप वेशभूषा में पहले के घोड़ा हुआ करते, प्लूटो ग्रह है। जी हाँ, यह बात करेक्ट है कि प्लूटो ग्रह है। लेकिन प्लूटो जो है उसका नाम कब पड़ा, कैसे पड़ा, वह किन यानी कि किन व्यक्ति या कोई व्यक्ति के नाम पर ही नाम पड़ा? जी हाँ, एक व्यक्ति के नाम पर प्लूटो ग्रह का नाम पड़ा, जो कि मात्र 11 साल के बच्ची के नाम पर, जिसका नाम था प्लूटो, उसी के नाम पर प्लूटो ग्रह का नाम पड़ा, जो कि 1930 में नाम पड़ा, वहाँ कहाँ, इंग्लैंड की लड़की थी 11 साल की, उसी के नाम पर यह पड़ा।
क्या आपने कभी अनुमान लगाए हुए हैं कि जो भाषा यानी कि हिंदी भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है, वह कितने यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय है उनमें से हिंदी भाषा को पढ़ाया जाता है? जी हाँ, पूरे पृथ्वी पर यानी कि भारत से लेकर विदेशों तक कोई कोई जो है विदेशी यूनिवर्सिटी उसमें हिंदी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन पूरे पृथ्वी पर 170 यूनिवर्सिटी यानी कि विश्वविद्यालय में 170 में हिंदी भाषा पढ़ाए जाते हैं। इसी प्रकार के वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।